हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो RRB का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, तो मैं बताऊँगा कि मतलब जो है वहाँ पर कैसे जो है हर एक स्टेप में मतलब कैसे कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स का आपका चेकअप हुआ था और कैसे कैसे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं वहाँ पे ले जाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एरर होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो वो आपको सोल्यूशन बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये इस बात के लिए लेकर के जो है थोड़ा सा टेंशन में मत रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफली देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके पास जो है मैट्रिकुलेशन का या हाई स्कूल का जो भी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होगा वो आपको ले जाना है। किस लिए ले जाना होता है? वो डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए ले जाना होता है, क्योंकि हाई स्कूल में ही आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में जो है वो आपको ले जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है और उसके कम से कम जो है आपको 3 कॉपी जो है फोटो कापी ले जाना है। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताऊँगा उसकी 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए जीराक्स के रूप में, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप अपना साइन उसमें कर देंगे। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट पर देखिए साइन जो है अभी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जो है आपको बताएं साइन करना है कि नहीं करना है। अगर करने के लिए बोलेंगे तो आप तुरंत वहाँ पे साइन कर लेंगे, इतना बहुत बड़ा बात नहीं रहता, समय बहुत रहता है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद से 10+2 हाई स्कूल या इंटर या इसके हायर सेकेंडरी लेवल का जो भी अप्लीकेबल है आपके पास, आपने पास किया है तो वो आप लेकर के जाइए। NCVT, SCVT या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी डिग्री आपने किया हुआ है, ITI किया हुआ है तो ITI की डिग्री आप लेकर के जाइए। देखिए एक बात और बता दूँ आपको, जो भी आपकी डिग्री है वो जब जो है नोटिफिकेशन निकला था उस फॉर्म का जो भी वैकेंसी का है, ठीक है, उसके एंड डेट से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया और आपकी डिग्री ही पूरी नहीं हो पाई और आप जो है कि फॉर्म फिल कर दिए थे, तो ऐसा अगर आप करके ले जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद से जो है SC ST अगर आप हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट आप लेकर जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है जो प्रमाणित होता है वो लेकर के जाइए। जो भी जिला में आपके डिस्ट्रिक्ट में बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो एक्सेप्टेबल होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो Annexure 1 में यहाँ पे दिया हुआ है उसी की फोटोकॉपी करा के भी आप बनवा सकते हैं, उसका भी करवा लीजिए, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव होता है जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं SC ST का, तो वो आप ले लीजिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो वो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोफार्मा है उसके अनुसार जो है बनवा के रख लीजिए। फिर उसके बाद से इनकम सर्टिफाइड, अगर देखिए फी वेविंग मतलब क्या है कि जब इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो क्लास था, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जब एग्ज़ाम फी आपने जमा किया होगा 500 की जगह पे आपका 100 रुपया अगर लगा होगा, ठीक, तो आपने EWS वहाँ पे मेंशन किया होगा तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 की जगह पे 100 रुपया आपको फीस देना पड़ा था। उसके बाद से ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विस मैन हो, आपने मिलिट्री में काम किया हो, एक्स सर्विस मैन जो भी हैं तो ये जो लग रहते हैं वो अपना जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर उसके बाद से फोटो कापी आप बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड के दोनों तरफ का फोटो कापी करा लेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ सबकी 3-3 कॉपी फोटो जीरोक्स जरूर लेंगे, सब एक एक कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से 3 कॉपी इसका रख लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, पर्सन जो PWD मतलब डिसेबल्ड हैं थोड़ा फिजिकली, ठीक है, तो वो अपना जो है सर्टिफिकेट Annexure VAVV और VC के अनुसार जो है उस तरह से बनवा लेंगे। जो भी नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा Annexure मेंशन हुआ है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप बनवा लेंगे। NOC देखिए, अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, किसी कंपनी में मतलब काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप जो है उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ जो है उसमें NOC जो है आप उसका बनवा लेंगे। डिफेंस पर्सनल हैं, ठीक है, तो उसका भी NOC आप बनवा लेंगे। ठीक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जॉब छोड़ करके मतलब इस जॉब में जाना चाहते हैं तो उसका NOC वहाँ से बनता है, आप जिस विभाग में काम कर रहे होंगे। ठीक, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी जिनका कम्युनिटी है, ठीक है, वो अपना पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद 16 देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, अथवा जो है लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम्स, मतलब कोई भी अगर आपने जो है नाम गलत हो गया है आपका या फिर जो भी करेक्शन आपने करवाया, जैसे पिताजी के नाम में कोई करेक्शन है या फिर आपके नाम में कोई करेक्शन है हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पर, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है एक एफिडेविट जरूर बना के ले जाइएगा। ठीक है, जो भी आपने करेक्शन करवाया है, देखिए मेरा क्या हुआ था कि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए गया था तो मेरा BTEC में, ठीक है, पिताजी के नाम पे मतलब पिताजी का जो नाम था भवन में हाई स्कूल में W लिखा हुआ था लेकिन BTEC में W की जगह पे VAN लिख दिया था, तो ये V को मैंने करेक्ट करवाया था। ये तो करेक्ट क्या हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट ही सही करा लिया था मैंने लखनऊ में जा करके, मैंने यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा लिया था। मैंने ये कही कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 10 दिन पहले ही मैंने इसे देखा था,
तो जाकर मैंने वहाँ पे करेक्ट करवा लिया। तो अगर आपके पास मौका है करेक्ट करवाने का तो करेक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से देखिए, रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट ऑफ इफ मेड थ्रू द चालान, मतलब SBI के थ्रू, ब्रांच के थ्रू जो आपने चालान करवाया होगा, जैसे मतलब फ़ी भरते समय जब भी फॉर्म फी का, तो चालान का एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है वो अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर इसके बाद से JK एंड जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अलग से बनता है, तो वो जो है आप अपने पास रख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से देखिए, सर्टिफाइड ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डाइवोर्स कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो ले लेंगे। डेथ सर्टिफिकेट का ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट का जो है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट टू यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखिए दिया हुआ, जो भी आप डिग्री डिप्लोमा या फिर ITI का जो सर्टिफिकेट आप लेकर के जाते हैं, वो डेट ऑफ इशू जो है वो उसका सर्टिफिकेट का, वो क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नोटिफिकेशन जिस फॉर्म का आपने भरा हुआ, जैसे LP हुआ या फिर ग्रुप डी हुआ, तो उसके नोटिफिकेशन से पहले ही आपकी डिग्री पूरी ना हुई हो, तो ऐसा नहीं है, उस वो लोग जो है एलिजिबल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये सब इसमें मेंशन हुआ है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है आप कम से कम जो है 3 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको 10 10 जो है फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपना गम रखना है वो चिपकाने के लिए, ठीक है, ये सब रख लीजिएगा। जब देखिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबका सिटिंग अरेंजमेंट बना होता है, ठीक है, उसी अनुसार जो है वहाँ पे वो लोग बिठाते हैं। फिर इस वजह से क्या होता है, जब आपका नंबर आएगा तो TCS वाले जो भी वहाँ पे कैंडिडेट जो होते हैं, TCS के एम्प्लॉई, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, और आपके हर एक CBT का जो है वो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। जब आपने मान लीजिए CBT 1 आपने दिया होगा, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आपसे लिए गए होंगे, तो वो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे जो है वेरीफाई किए जाते हैं कि वो आपके आप ही के फिंगरप्रिंट्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा जो है तीनों फिंगरप्रिंट्स जो है CBT 1, CBT 2 और साइको के लिए जो मैंने पेपर दिया था, तीनों को वेरीफाई किया गया था, करीब करीब वो 90% से प्लस मैच करने चाहिए, ठीक है। तो वो जनरली मैच कर जाते हैं, कई कई लोग अगर नहीं मैच करता है तो उन्हें समय दिया जाता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन बाद आइए, या फिर जो है तो उनको मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैच करने चाहिए, बिना मैच किए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद से क्या होता है कि जब ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे मेडिकल के लिए जो है 30 से 35 के बीच में कोई चार्ज था वो आपसे फिल किया जाता है, और एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। उसको भरने के बाद 30-35 रुपये जो भी चार्ज था, मुझे याद नहीं है इतना, इसी के आसपास रुपये जो है वो लेते हैं, ठीक। तो ये मेडिकल का चार्ज है, ठीक है, मेडिकल आपसे कराया जाएगा जो, तो वो उसका फीस है। फिर उसके बाद से जो है हर एक टेबल पे मतलब कई लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किसी एक कैंडिडेट के पास भेज दिया जाएगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल और फोटो कॉपी चेक करेंगे, और एक सीरियल नंबर से लगाएंगे, मतलब जो भी इसमें लिस्ट होगी उसी अनुसार जो है आपको अरेंज कर दिया जाएगा, कि मतलब इसी अनुसार जो है आप अरेंज करके लाइए, और एक एक करके जो है 3 कॉपी जो है जो मैंने बताया 3 कॉपी आपके पास रखनी चाहिए। तो 3 सेट बनाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे उनके 3 सेट बना लेंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए, तो सारा कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, मतलब अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद से जो भी उनको ज़रूरत होता है, जहाँ पे जो है उनको मुहर लगाना होता है वो मुहर लगा लेते हैं, जहाँ पे आपका थंब लेना होता है वो थंब ले लेते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि आपके मतलब एक फॉर्म रहता है, ठीक है, वो मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल के वो फॉर्म पे जो क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, मतलब 2 कट मार्क्स जो भी बॉडी पे अगर जो है आपके 2 निशान, जैसे भी मान ली बचपन में कहीं चोट वोट लगी हो, तो वो कट मार्क्स पहचान के लिए, क्योंकि वो जो है फॉर्म आप ले करके जाएंगे जहाँ भी आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, तो उसी कट मार्क्स से जो है आपकी पहचान की जाएगी। जनरली ऐसा चेक होता ही है, लेकिन आपको जो है वहाँ पे कट मार्क्स उनको दिखाने होते हैं, और वो वहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए दाएँ हाथ में कहीं कटा हो, फिंगर में कहीं कटा हो, ऐसे होता है ना कट मार्क्स, तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। इसके बाद से सब ये चेक होने के बाद जो है आपको बिठा दिया जाता है कि आप इंतज़ार करिए, और वो जितना भी फॉर्म है वो अपना कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से जो है जो फॉर्म इन्होंने भरा हुआ है डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए, ठीक है, तो वो वेरीफाई होने के बाद उस पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका देते हैं। फिर उसके चिपकाने के बाद उसको एक लिफाफे में बंद कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, आप अपना लिफाफा ज़रूर देख लीजिएगा जब भी, कि सील हो गया और उस पर मुहर लगी हो, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो लिफाफा लेकर के जो है जहाँ भी उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में था तो मुझे जो है बनारस के लिए भेजा गया था, ठीक है, बनारस मेरा मेडिकल अगले दिन पहुँचना था। तो एक आध स्टूडेंट ऐसे थे जिनका गलती से यहाँ पे मुहर नहीं लग पाया था और वहाँ पर चले गए थे, उनके लिफाफे पर मुहर नहीं लगी थी, तो उनको दोबारा भेजा गया था, जाइए गोरखपुर से मुहर लगवा के लाइए, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके लिफाफे पे मुहर लगी हुई है कि नहीं, ठीक। और तो ठीक है, तो वहाँ पे जो बैठने के बाद कुछ देर बाद जो है वो क्या करते हैं, आपको वो लिफाफा दे देते हैं, और उसमें जो है एक
रहता है, सर्टिफिकेट टाइप का एक कागज़ रहता है, उसमें आपका नाम और एड्रेस वो जो भी है लिखा रहता है, और मेडिकल के लिए जो क्राइटेरिया है वो लिखा रहता है, उसमें फिल किया रहता है, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा रहता है, ठीक वही आपको लेकर के लिफाफा बंद रहता है, उसको बंद ही लेकर जाना है, खोलना नहीं है आपको। वहाँ पर जाएगा और जहाँ भी आपको भेजा जाए, कई लोग को बनारस भेजा जा रहा था और लखनऊ भी मेडिकल हो रहा था। जो लड़कियाँ थीं और जो थोड़ा PWD कैंडिडेट थे, जिनका फिजिकली हैंडीकैप जो भी थे, उनको जो है वो गोरखपुर में ही उनका डॉक्यूमेंट वेरी सॉरी मेडिकल उनका जो है गोरखपुर में ही भेज दिया जा रहा था, उनको दूर नहीं भेजा जा रहा था। बाकी लड़कों को जो है बनारस भी मेडिकल हो रहे थे, गोरखपुर में भी मेडिकल हो रहा था, और इज्जत नगर में भी मेडिकल हो रहा था, लखनऊ में भी मेडिकल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है मेडिकल हो रहा था और अगले दिन वहाँ पहुँचना था। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन रेस्ट करके जाएं, नहीं, आपको जो है जिस ग्रुप के साथ भेजा जाएगा उसी ग्रुप के साथ अगले दिन वहाँ पे रिपोर्ट करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेडिकल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तीसरी बात जो है, आपको ये कई क्वेश्चन उसमें क्वेरी आ रही थी, कई लोग का जो है नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जो है गलती से कुछ और डाल दिया है। तो डेट ऑफ बर्थ तो थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव केस है, लेकिन नाम वाम जो भी आपका गलत है उसके लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाइए, जो भी आपका आपका करेक्शन करना है एफिडेविट बनवा करके ले जाइए, और वो मौका देते हैं आपको डॉक्यूमेंट में करेक्ट करने के लिए, जो भी आपको उसमें सर्टिफिकेट में करेक्ट करना है। बाकी आप 3 कॉपी ज़रूर ले जाइए, हर एक आप 1 कॉपी एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 4 कॉपी भी रख लेंगे, कोई बड़ी बात दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कहीं और एक्स्ट्रा लग जाए। आधार की कॉपी जो है आप ज़रूर लेके जाइएगा, 3 कॉपी, ठीक है। पैन कार्ड हो, पैन कार्ड की भी कॉपी अगर आप रख रहे हैं तो 2 3 कॉपी उसकी ले लीजिएगा, ठीक। तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर द स्टूडेंट के जो है इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं हमको, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है मेडिकल के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से जो है चेकअप वहाँ पे मेडिकल के लेकर के हुआ था, और उसमें भी जो भी क्वेरी हो, तो मेडिकल से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप अभी इसी में जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसको मैं उसमें कवर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।